हिमाचल के राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के घर जाने को लेकर आपत्ति जताई है। उन्होंने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए देश में न्याय व्यवस्था से विश्वास उठने वाला बताया है। वहीं इस दौरान जगत सिंह नेगी ने मंडी से सांसद कंगना रनौत पर भी निशाना साधा। उन्होंने कंगना रनौत के बयान पर कहा कि किसी अन्य व्यक्ति से भी इस तरह के बयान की अपेक्षा नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि मंडी की जनता कंगना को सांसद चुनकर अब पछता रही है। हिमाचल सरकार में मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि हाल ही में देश के प्रधानमंत्री सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के घर चले गए। उन्होंने कहा कि एक लोकतंत्र के लिए अपने आप में एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। उन्होंने कहा कि अब तक किसी ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने कहा कि संविधान निर्माताओं ने जो लोकतांत्रिक प्रणाली को बनाए रखने के लिए व्यवस्था बनाई उसको प्रधानमंत्री ने छिन्न भिन्न कर दिया है और हाल ये है कि लोगों का भरोसा अब न्याय व्यवस्था से भी उठ गया है। भाजपा का तो जो है अब हाल ये है, अभी हाल में आपने देखा होगा कि देश के प्रधानमंत्री हमारे जो सबसे बड़े जो हमारे क्या कहते हैं इसके न्यायालय हैं, सर्वोच्च न्यायालय हैं, सुप्रीम कोर्ट है, उनके चीफ जस्टिस के घर चले गए, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा लोकतंत्र के लिए प्रश्न चिन्ह है। आज तक ना कभी किसी ने इस किस्म की बात की, ना कोई करता, परंतु मोदी जी ने जो है सारे लोकतंत्र के जो भी हमारे एक लोकतंत्र को बचाने के लिए जो हमारे संविधान रचयिताओं ने बनाया है उस सबको जो है एक किस्म से पूरा एक छन भिन कर दिया है और एक ऐसी परिस्थिति में डाल दिया है कि अब विश्वास लोगों का जो है न्याय से भी चला गया है। प्रधानमंत्री जो है मुख्य न्यायाधीश के चले जाए ऐसी बात जो आज तक हुई नहीं है, ना ही किसी लोकतांत्रिक देश में होता है, तो बड़े दुर्भाग्य की बात है। और अब बीजेपी का जो चुनाव के अंदर जिस किस्म की ये बातें करते हैं, इनके जो है चल चरित्र और चेहरे में फ़र्क है। ये मुखौटा लगा के जाते हैं, हिमाचल में आएंगे तो हिमाचल के लिए कुछ और बात करेंगे, पंजाब में जाएंगे तो वे मोदी जी तो पंजाब के बन जाते हैं, पगड़ी पहन लेंगे, कहते मैं तो पंजाबी हूँ, जम्मू कश्मीर में जाएंगे तो वहाँ पर कहते हैं मैं तो कश्मीरी हूँ। यह है किसके, इसका मतलब ये किसी के भी नहीं है। और जो अभी हिमाचल में जैसे हमने जो गारंटियाँ दी उसके ऊपर इन्होंने बड़ा हल्ला किया और उन्हीं गारंटियों को और जो है थोड़ा सा उसमें सुधार करके उसको बढ़ा चढ़ा कर वही गारंटियाँ जो है जम्मू कश्मीर और हरियाणा में वो दे रहे हैं। हमारे लिए खराब है, हम अगर कांग्रेस वाले अगर इन्हीं बातों को महिलाओं को सम्मान देने की बात करें तो वो गलत हो जाता है। और बीजेपी वाले इसी को वहाँ पर किसी और प्रदेश में लागू करने की बात करते हैं तो वो ठीक हो जाता है। तो इसका मतलब ये कि बीजेपी के पास आज वोट मांगने के लिए कोई भी काम किया हुआ नहीं है। 10 सालों में मोदी जी के राज में देश बर्बाद हो चुका है, लोग भी समझ चुके हैं। अब जो कांग्रेस जो विचारधारा है उसी विचारों को अब लोगों के पास पहुंचाने की ये कोशिश कर रहे हैं, तो इससे लगता है कि इनका इन दोनों जगह पर चुनाव में जो है बुरी तरह से हार इनकी निश्चित है। 100 दिन का लोकतंत्र और जो है मोदी राज में और कमज़ोर हुआ है, मोदी राज में देश की आर्थिकी 100 दिन में और कमज़ोर हुई है, लोकतंत्र कमज़ोर हुआ है हर तरह से, आपने बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई और बढ़ गई है, और जो है किसानों का जो 2022 में डबल होना था इनकम वो और पीछे पीछे को चला गया है। तो 100 दिन में तो आज देश का और ज़्यादा, आप मानते हैं क्या ऐसा संभव है? तो एक माननीय सांसद के मुख से इस किस्म के बयान आए जो कि एक क्या कहेंगे आप, ऐसे व्यक्ति से भी नहीं आएगा जो अनपढ़ भी होगा, जो कम से कम थोड़ी भी सोच रखता होगा, को इस किस्म की गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं कोई देगा। और जबकि ये सांसद है, इनको तो बड़े हिसाब के साथ सोच समझ के साथ बात करनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि जो हमने सांसद चुना है बहुत बड़ी बेवकूफ़ी हमारे से हुई, गलती हुई है। हमने कैसे एक मूर्खतापूर्ण व्यक्ति तब को चुनकर भेजा है? तो इस किस्म की बातें कहकर अब मैं तो चाहूँगा कि ये बात जो है प्रेस को भी नहीं इसको जो है आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि अगर मूर्खतापूर्ण बातों को अगर हम आगे बढ़ाते जाएंगे तो हम किस दिशा में जा रहे हैं?
कोई ठीक बात हो, कोई समाज के कल्याण की बात हो या कोई सरकार के कोई क्रिटिसिज्म की बात हो, जहाँ सही मायने में करना, उन बातों को तो हमें आगे पहुंचाना चाहिए जनता तक, परंतु मूर्खतापूर्ण बातों को अगर आगे पहुंचाएंगे तो हम अपने आप के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह डाल रहे हैं। तो ये तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि मंडी के आज जो हम मतदाता हैं पछता रहे हैं कि हमने कैसे व्यक्तित्व को जो है चुनकर अपना जो है प्रतिनिधित्व के रूप में जो है भारत के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर में भेजा है और वहाँ पर इस किस्म की बातें वो करेगी और वहाँ भी ये चूकती नहीं है वहाँ इस किस्म की बातें करने से। तो ये तो अब हमारे लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति भी है और एक किस्म से हिमाचल का जो एक लोगों की एक गरिमा है, लोगों की एक सोच है, उसके ऊपर भी एक प्रश्न चिन्ह लग गया। हम तो एक मजाक के पात्र बन गए, दूसरे प्रदेशों के लोग देख रहे होंगे कि कैसे किस्म की ये सांसद चुनकर भेजा है कि जिसको कोई समझ ही नहीं है।